सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। रिश्तो मीट एक कॉन्फ्रेंस रूम जिते छोकरे छोकरी के एक बेसा मिलाइंड है या कची मिसरी जेड़ा फंक्शंस तमा करे सको था वो भी बिल्कुल फ्री में कोई भले तमा rishto.com में मेंबरशिप वर्ती हुजे या न। रिश्तो मीट फॉर योर परफेक्ट मैच। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लास नगर महानगर पालिका के बीजेपी नगर सेवक राजेश विद्रिया ने सोशल मीडिया पर एक मैसेज को पोस्ट करना भारी पड़ रहा है। इसी मैसेज के चलते अब उन पर उल्लास नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें, पिछले दिनों 5 राज्यों के चुनाव में से पंजाब में आम आदमी पार्टी के जीत पर नगर सेवक राजेश विद्रिया ने उल्लास नगर कारपोरेटर्स एंड HOD नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप पर एक मैसेज पोस्ट किया, जिसमें लिखा था कि पंजाब में खालिस्तानी समर्थकों ने आम आदमी पार्टी को जीत दिलाने में मदद की है। इन्हीं शब्दों को लेकर अब उल्लासनगर में सिख समुदाय ने राजेश विद्रिया के इस मैसेज पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उल्लासनगर पुलिस स्टेशन में राजेश विद्रिया के खिलाफ IPC 500 के तहत मामला दर्ज कराया है। देखिए, ये मामला कुछ ऐसा था कि हाल ही में आपने देखा होगा कि 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, जिसमें से मुख्य जो पंजाब राज्य था उसमें जो आम आदमी पार्टी की बहुमत में विजय हुई थी। वहाँ पर उनको देखते हुए जो उल्लासनगर के महानगर पालिका के नगर सेवक हैं राजेश वदरिया जी, उनके तरफ से एक UMC ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पर उन्होंने एक स्टेटमेंट पोस्ट की थी कि जो पंजाब में सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की, वो खालिस्तानियों द्वारा बनाई गई है, जो एक ये बहुत ही गलत तरीका और शर्मनाक तरीके का ये पोस्ट थी उन्होंने ये वहाँ पर डाली। तो इस पोस्ट को जब ये हम लोगों ने देखा तो हमारा सिख समाज काफ़ी नाराज हुआ और आक्रोश में आ गया कि ये किस तरीके का वाहियात तरीके का ये पोस्ट इन्होंने डाली है। तो काफ़ी हमारा सिख समाज इससे नाराज हुआ और हमने इस विषय को काफ़ी गंभीरता से लिया, क्योंकि ये एक खालिस्तानी शब्द कहना अपने आप में एक कहते हैं कि उसको हम बोल नहीं सकते कि उन्होंने ये शब्द कैसे यूज़ किया है। इस बात को लेकर पूरा सिख समाज नाराज हुआ और हमने एक नंबर पुलिस चौकी वहाँ पर हमने एक अर्ज दाखिल किया कि इनके ऊपर जो धाराएँ बनती है उनके तहत ये मामला दर्ज होना चाहिए, गुनाह दाखिल होना चाहिए। हमें पुलिस की तरफ से बहुत ही अच्छा सहयोग मिला और जो भी उनके ऊपर जो उनकी स्टेटमेंट थी उनके आधार पर ये आप देख सकते हैं उनके ऊपर ये गुनाह दाखिल हुआ है। मैं यही करना चाहूँगा कि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, आपको ये सोचना चाहिए कि मैं किस तरह की पोस्ट ग्रुप में डाल रहा हूँ कि किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से पूरे शहर को, आम जनता को ये कहना चाहूँगा कि जो ये शब्द खालिस्तानी शब्द है, पहले तो बहुत से लोगों को इसका अर्थ ही पता नहीं है कि ये शब्द क्या है, पहले इसका अर्थ समझें उसके बाद टिप्पणियां करें। मैं यही कहना चाहूँगा, उल्लासनगर में जो नौजवान है सिख समाज के काफ़ी सक्रिय हैं, आप ऐसे कोई बाइट या कोई ऐसे सोशल मीडिया में पोस्ट न डालें कि उसमें आपको बाद में उसका खामियाजा भुगतना पड़े। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वहीं इस मामले पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कमलेश निकम ने भी राजेश विद्रिया के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई है। मुझे भी अभी अभी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि हमारे उल्लासनगर के सिख समाज के जो युवा हैं उन्होंने एक मामला उल्लासनगर के नगर सेवक राजेश वद्रिया के ऊपर एक मामला दर्ज किया है उल्लासनगर एक नंबर पुलिस स्टेशन में। मामला ये है कि उल्लासनगर के सोशल मीडिया के माध्यम से एक नगर सेवक और प्रशासकीय अधिकारियों का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में उन्होंने लिखा कि आम आदमी पार्टी की जो राज्य के पंजाब राज्य में जो सरकार आई है वो सरकार खालिस्तानियों की मदद से आई है। हमारे सिख समाज के युवा, हमारे सिख समाज का आम नागरिक, उल्लासनगर के महाराष्ट्र के सिख समाज का बहुत बड़ा अपमान हुआ है। खालिस्तान का दर्जा देना राज्य की सरकार कोई भी हो, कोई भी पक्ष की हो, कोई भी पार्टी की हो, पर इस तरीके का दर्जा देना हमारे सिख समाज ने इस देश के स्वतंत्र के लिए क्या बलिदान दिया,
हमारे देश के अंदर सिख समाज के लोगों ने इस बलिदान देकर इस देश को स्वतंत्रता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बलिदान देने के बाद उनको इस तरीके से अपमानजनक बात करना, आज राजेश वधरिया के ऊपर आईपीसी 500 के तहत उल्लासनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है और युवाओं की एक ही कहना है कि उनको गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने हमारे समाज की बदनामी की, जिस समाज ने देश के स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया, जो हिंदुस्तान को स्वतंत्रता के वक्त पर जिन्होंने अपने अपने परिवार को छोड़कर सड़कों पर उतर पड़ा, ऐसे समाज का अपमान करने वाला ये राजेश वधरिया को मैं पुलिस से और महाराष्ट्र के होम डिपार्टमेंट से, हमारे महाराष्ट्र के मंत्री महोदय आदरणीय दिलीप वलसे पाटिल साहब से हम निवेदन करेंगे कि ऐसे नगर सेवक जिन्होंने हमारे सिख समाज का अपमान किया, इसको गिरफ्तार करके जेल के सलाखों में डालना चाहिए। ऐसा नगर सेवक जिसने देश के स्वतंत्रता में जिस सिख समाज ने इतना बड़ा योगदान दिया, ऐसे समाज को खालिस्तानी कहना, ऐसे राजेश वधरिया को जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए। मैं मेरी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तरफ से, कालानी परिवार के तरफ से निषेध व्यक्त करता हूँ और जल्द से जल्द पुलिस कार्रवाई करेगी इसके ऊपर। मैं पुलिस प्रशासन और आदरणीय डीसीपी साहब एसीपी साहब सबको निवेदन करूंगा कि ऐसे नगर सेवकों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।